आगे देखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्यों किसी क्षारीय प्रतिरोधक विलयन में किसी प्रबल क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर भी उनकी क्षारीयता परिवर्तित नहीं होती है। तो इसको समझाने के लिए हमें कोई ना कोई आधार लेना पड़ेगा और हम इसमें आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रित विलयन को आधार मानकर इसे समझाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रित विलयन बेसिक बफर सॉल्यूशन है, क्षारीय प्रतिरोधक विलयन है। यदि हम इसमें किसी स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ मात्रा मिला देंगे तब भी इसकी क्षारीयता परिवर्तित नहीं होती है। इसका मतलब है उसमें OH आयनों की संख्या बढ़ नहीं पाती है। उसका कारण क्या है कि देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और आप जानते हैं कि वीक बेस हमेशा कम आयनित होते हैं और आयनित होने पर ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जब हम इसमें अमोनियम क्लोराइड मिला देते हैं तो ये दोनों कॉमन आयन उत्पन्न करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड भी अमोनियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। तो यहां पर ये कॉमन आयन हो जाएंगे। कॉमन आयन क्या है? अमोनियम आयन। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इनका आयनन और भी घट जाएगा जिससे विलयन में अमोनियम आयनों की संख्या कम हो जाएगी। अब अमोनियम आयन किसी से भी प्राप्त हुए हैं, चाहे NH4OH से प्राप्त हुए हैं चाहे NH4Cl से प्राप्त हुए हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, घट जाती है। यदि ऐसी स्थिति में किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ मात्रा डाली जाए, जैसे मान लीजिए NaOH है उसकी कुछ मात्रा मिलाई गई, तो अमोनियम आयन किसी से भी प्राप्त हुए हैं वो अमोनियम आयन बेस से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो वीक बेस होने के कारण कम आयनित होता है और कम आयनित होने के कारण विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है, जिसके कारण इसकी क्षारीयता परिवर्तित नहीं होती है, बदलती नहीं है, स्थिर रहती है। ये क्लोराइड आयन इस बेस से प्राप्त सोडियम आयनों से क्रिया कर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से NaCl, और NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का बना हुआ लवण है। और ध्यान रखें ऐसे लवण क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, वो ना अम्लीयता उत्पन्न करते हैं ना क्षारीयता उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये इसकी अम्लीयता और क्षारीयता में कोई दखल नहीं देते। तो यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग बेस की मात्रा मिलाने पर भी किसी क्षारीय प्रतिरोधक में उसकी जो क्षारीयता है वो बदलती नहीं है, स्थिर नहीं होती है, स्थिर रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के द्वारा ही इसको समझा जा सके। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, इनके मिश्रित विलयन किसी के साथ भी कर सकते हैं, ये भी क्षारीय प्रतिरोधक विलयन है। और यदि हम इनके मिश्रित विलयन में कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर भी उनकी क्षारीयता परिवर्तित नहीं होती है। इसका कारण यह है कि देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और ये आयनित होता है, होकर देता है कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। कैल्शियम सल्फेट हालांकि वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 का लवण है, इसलिए इसको ज्यादा आयनित होना चाहिए क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, लेकिन ये भी क्योंकि कैल्शियम आयन उत्पन्न कर रहा है तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका आयनन और भी घट जाता है।
कॉमन आयन क्या हो गए, कैल्शियम आयन। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इनका आयनन और भी कम हो जाता है। अब कैल्शियम आयन चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त हो रहे हो या कैल्शियम सल्फेट से प्राप्त हो रहे हो, ये कैल्शियम आयन स्ट्रॉन्ग बेस की मात्रा मिलाने पर भी उस बेस से, मान लीजिए हमने यहां पर KOH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, तो कैल्शियम आयन बेस से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होने के कारण कम आयनित होता है और कम आयनित होने के कारण विलयन में कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं। ये सल्फेट आयन बेस से प्राप्त पोटेशियम आयनों से क्रिया करते हैं और पोटेशियम सल्फेट बना लेते हैं। ऐसा लवण जो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेस KOH से बना हुआ है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो लवण है वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो बना क्या, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर भी, KOH जैसा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर भी ये कैल्शियम आयन बेस से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होने के कारण कम आयनित होता है जिससे उनकी क्षारीयता परिवर्तित नहीं होती है। तो ये था इन दोनों क्वेश्चन के बारे में।